नमस्कार दोस्तों, क्या आपको अभी तक जॉब नहीं मिला है? क्या आपका करियर गैप है 1 साल 2 साल 3 साल 4 5 6 साल, उसके बावजूद कोई कंपनी आपको नहीं ले रहा है? दोस्तों यही होता है, अगर आपका करियर गैप है तो कंपनी वाले जो आगे का जो कंपनी होगा वो हायरिंग नहीं करते। इसके अलावा दोस्तों, क्या आप जिस भी कंपनी में जाते हो क्या वहाँ पर बहुत सारा कंपटीशन है? बिल्कुल रियल हो सकता है, क्योंकि दोस्तों आजकल किसी भी कंपनी में जाओ वहाँ पर कंपटीशन ही कंपटीशन है। नॉर्मल कैंडिडेट को यहाँ पर इंटरव्यू देना बहुत मुश्किल हो जाता है और उसको जॉब पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? क्या आपको भी जॉब मिलने में बहुत मुश्किल हो रहा है? क्या आप नॉन आईटी बैकग्राउंड है और आप आईटी में शूट करना चाहते हो? तो बिल्कुल दोस्तों, ये जो वीडियो है बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल सही है। वीडियो को कंप्लीट देखिए, मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी मैं आपको बता। दोस्तों ये एक ऐसा जॉब है जहाँ पर कंपटीशन अभी तो ना के बराबर है, क्योंकि दोस्तों आने वाले समय में दोस्तों यहाँ पर 11 मिलियन से ज़्यादा यहाँ पर जॉब वैकेंसी निकल के आती है। जो मैं आपको बात कर रहा हूँ डाटा साइंस में, तो डाटा साइंस देखो बहुत सारे कंपनी में इसका रिक्वायरमेंट है, लेकिन जो कैंडिडेट यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आते हैं उनके पास सही इंफॉर्मेशंस नहीं होते हैं, सही उनको ट्रेनिंग नहीं होते हैं, सही उनको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं। यहाँ डाटा साइंस बूट कैम्प ये जो ओडिन स्कूल के तरफ से ऑफर किया जा रहा है दोस्तों, एक बार आप ये कोर्स कर लोगे मैं मानता हूँ दोस्तों, क्योंकि अभी जो है हर कंपनी में डाटा साइंस का रिक्वायरमेंट है और वहाँ पर दोस्तों क्वालिटी का बंदा चाहिए। तो यदि आप इस कोर्स को करने के बाद आप किसी भी कंपनी में जाओगे जहाँ पर इस तरह का जो है हायरिंग हो रहा है, तो वहाँ पर आपको सिलेक्शन होना ही होना है। लेकिन दोस्तों आपको ओडिन स्कूल के तरफ से आपको यहाँ पे प्लेसमेंट भी ऑफर किया जा रहा है, सिर्फ आपको यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं देगा, आपको यहाँ पे डाटा साइंस का कोर्स नहीं करवाएगा, यहाँ पे आपको 100% प्लेसमेंट सपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। 500 से ज़्यादा कंपनी जो है ओडिन स्कूल के तरफ से यहाँ पे हायरिंग पार्टनर है। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने जितनी भी जॉब नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक मिले। यहाँ पर मैं बहुत सारे एग्जाम्पल भी बताऊँगा जो कैंडिडेट्स को करियर गैप था या उनका जो है नॉन आईटी बैकग्राउंड था, वो भी कैंडिडेट यहाँ पर आके जो है उनको जॉब मिला है, उनके साथ भी मैं आपको मिलवाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, आपको स्टेप बाय स्टेप सभी इसके बारे में आपको जानकारी डाटा साइंस बूट कैंप। दोस्तों ये ओडिन स्कूल की तरफ से जैसे मैंने आपको बताया है, इस बूट कैंप में आपको क्या क्या होने वाला है स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। 6 मंथ का आपको यहाँ पे लाइव क्लास होगा डाटा साइंस का, आपको यहाँ पे जॉब निकल के आते हैं। 360 यहाँ पे प्लेसमेंट असिस्टेंट मिलेंगे, जैसे मैंने आपको बताया 500+ यहाँ पे हायरिंग पार्टनर है, तो आपको जॉब मिलने का यहाँ पे आपको बहुत चांसेस रहेगा। इवन आपको यहाँ पे 100% प्लेसमेंट सपोर्ट मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बूट कैंप फी यहाँ पे 99,000+ GST रहेगा, और यहाँ पे दोस्तों 10 डेज इसका रिफंड पॉलिसी है, और अगर आपको यहाँ पे पसंद नहीं होता है तो आपको यहाँ पे रिफंड पॉलिसी के अंतर्गत आप यहाँ पे जानकारी लेकर के इसके बारे में जान सकते हो, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए स्कॉलरशिप भी है, जो आपको टॉप कैंडिडेट होंगे उनको जो है 30,000 का जो है आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया है। ये देखिए कुछ रिसेंटली कैंडिडेट है, इनके साथ भी मैं आपको बाद में मिलाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे हायरिंग पार्टनर के बारे में आपको दिखा देते हैं, ठीक है। देखिए इतने सारे हायरिंग पार्टनर है दोस्तों, कोई भी डर नहीं है, आप इस कोर्स को कर लीजिएगा तो आपको हायरिंग यहाँ पे होना ही होना है। अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आप यहाँ पे दे सकते हो। बात करते हैं दोस्तों जो हायरिंग कंपनीज है वो कौन है, यहाँ पे देखिए 0 कोड HR है, फिर यहाँ पे सॉल्यूशन टेक कुछ है, यहाँ पे SNP ग्लोबल है, ठीक है। देखिए कितने सारे कंपनी में है जहाँ पे डाटा साइंस का रिक्वायरमेंट है लेकिन सही बंदा नहीं मिल पा रहे। या अगर आप कोर्स करने के बाद उसे यहाँ पे बड़े बड़े कंपनी जैसे इंफोसिस हो गया, ईक्लर्क्स हो गया, ठीक है, कितने सारे कंपनी में आपको देखे टेक महिंद्रा, बहुत सारे कंपनी में आपको यहाँ पे जॉब मिल सकता है, और इनको जो है इनमें जॉब मिला है। देखिए दोस्तों मैं लाइव एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, ये है विश्वेश्वरी, तो यहाँ पे दोस्तों जो विश्वेश्वरी है इनको सीनियर एनालिस्ट जॉब मिला है कैपजेमिनी में। कैपजेमिनी दोस्तों एक बहुत बड़ा कंपनी है, वहाँ पर सिलेक्शन होना आम कैंडिडेट को बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन इन और इसके ऊपर अब ये भी आप देखिए, ये जो है दोस्तों इनको 6 साल का गैप था, विशेषकर को 6 साल का जो है करियर गैप था, और दोस्तों एक बार करियर गैप हो जाता है तो कोई कंपनी जो है हायरिंग करते ही नहीं, लेकिन इनको जो है इस बूट कैंप करने के बाद इनको जो है कैपजेमिनी में जॉब मिला है एज ए सीनियर एनालिस्ट। इसके अलावा दोस्तों निपुण गुप्ता को भी दे सकते हो, पहले प्रोफेसर हुआ करते थे, अभी जो है इनको जो है इस कंपनी में एसोसिएट डाटा साइंस का जो है जॉब यहाँ पर आपको मिला है। इनके अलावा निधि कुलकर्णी है, इनको भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर E2 जो कि इसी बड़े कंपनी में मिला है, ये
जो है पहले एक स्टूडेंट रिक्वायरमेंट एडवाइज़र थे, अभी जो है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो दोस्तों आपको भी ये चांस आपको मिल सकता है, ठीक है। और भी बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन दोस्तों बात करते हैं कौन ही इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों ज्वाइन तो हर कोई यहाँ पे कर सकता है। मान लीजिए कोई आपको यहाँ पे नॉन आईटी बैकग्राउंड से है, ठीक है, अगर वो यहाँ पे इस आईटी फील्ड में जाना चाहते हैं वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई कैरियर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कैरियर चेंज करना, मान लीजिए कोई भी एक बंदा जो है वो कॉल सेंटर में काम कर रहा है, डाटा एंट्री का काम कर रहा है, या किसी भी नॉन आईटी में काम कर रहा है, वो इसमें जाना चाहते हैं वो भी यहाँ पे आ सकता है, कोई भी प्रॉब्लम उनको नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कैरियर अपग्रेड, मतलब कि अगर आप ऑलरेडी एक आईटी सेक्टर में काम कर रहे हो और अगर आप उसको थोड़ा हायर लेवल पे जाना चाहते हो, इस कोर्स करने के बाद हायर लेवल पे जा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा और देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे, अगर आपका कैरियर गैप वगैरह है, कुछ कैरियर ब्रेक हो गए तो भी कैंडिडेट यहाँ पे ज्वाइन कर सकते, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा। अगर इसी बोर्ड कैम्प करिकुलम की बात करें तो यहाँ पे लाइव क्लासेस होगा, प्रोजेक्ट बेस्ड यहाँ पे लर्निंग आपको मिलेंगी, कैरियर सर्विस प्लेसमेंट असिस्टेंट तो आपको यहाँ पे मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में आपको यहाँ पे इंडस्ट्री का जो मेंटर्स है उनका सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे। अगर कोई यहाँ पे इंडस्ट्री आपको सपोर्ट देता है तो अच्छी बात रहता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए सीखने को क्या आपको मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पे डाटा साइंस में आपको स्टैटिस्टिक्स, एसक्यूएल, पाइथन, पावर बीआई, ईडीएन, डेटा स्टोरीटेलिंग, इसके अलावा दोस्तों इलेक्टिव्स में इतने सारे आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगे। प्लस करियर सर्विस में आपको यहाँ पे इंडस्ट्री रिस्ट्रिक्शन करने को, इंडस्ट्री इंट्रैक्शन होगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे करियर सर्विस में आप देख सकते हो वर्कशॉप ऑन बिहेवियर स्किल्स भी यहाँ पे सिखाया जाता है, मेंटरिंग सिखाया जाता है, मॉक इंटरव्यू कैसे देना है, रेज्यूमे बिल्डिंग कैसे करवाना है, प्लेसमेंट असिस्टेंट तो इनका है ही है। अगर दोस्तों बात करें यहाँ पे और कुछ जानकारी के, इस बूट कैंप का जो हाईलाइट्स है आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों इस कोर्स में आपको जो है लर्निंग भी मिलता है, उसके साथ साथ दोस्तों आपको यहाँ पे 100% जॉब प्लेसमेंट भी आपको यहाँ पे होता है। एनरोल कैसे करना है, तो एनरोल करने के लिए तो सबसे पहले अप्लाई करना होगा, उसके बाद आपको एडमिशन का एक टेस्ट देना होगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप भी आपको यहाँ पे मिल सकता है। एनरोल करने के लिए दोस्तों सिंपली यहाँ पे अप्लाई नाउ बटन में आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, उसके बाद आपको जो है उसके बाद दोस्तों आपको ऑर्डिन स्कूल की तरफ से आपको कॉल आ जाएगा, कॉल को अटेंड कर लीजिए, प्रोग्राम को अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो इसी तरह से आप यहाँ पे बिल्कुल एक डाटा साइंस प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके बारे में कोई भी सवाल आपको कमेंट करना है तो नीचे जरूर कर सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।